हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कितना तो सारे वेलकम टू टुडेज व्लॉग। स्वागत है थोड़ा सब दा। आई होप तो सारे बढ़िया हो गए, कैंट हो गए, पता नहीं क्या हो गया। आज मैं बड़ा गलत मुलत सा बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग को गुड आफ्टरनून को गुड मॉर्निंग। तो गाइस, सुबह से ऐसे था, बड़ी ज्यादा सुस्ती पड़ी थी, ऊपर से मौसम इतना ज्यादा सही था, रात से बारिश लगी है कोई 4-5 बजे से, तो और ज्यादा नींद आती है उसकी आवाज सुन के। अभी ऊपर वाला रूम सारा पड़ा हुआ है, तो अभी मम्मा पापा गए हुए हैं कहीं पे, आएंगे लंच के बाद, फिर देखते हैं गांधीनगर तक जाना हो, क्योंकि कुछ ऊपर वाला रूम का सामान लाना है और भी एक दो काम है, वो देखेंगे। फिलहाल आप बाहर का मौसम देखो यार, आज जाना चाहिए था, पर ये रात से ही मौसम था जाने वाला। देखो कितनी यम्मी सी सब्जी बनाई है, आलू की सब्जी, साथ में रायता होगा। हाय, क्या कर रही हो? बैठी हूँ काम करके। कोई प्लान है आज का? अभी बता नहीं, अभी नहीं पता। तो गाइस थोड़ा सा काम करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। बड़ी बदतमीज हो गई हूं। हां, बातें करती है पूरे दिन। गाइज 1 बजे आपको बोला था हम लंच करने लगे हैं, प्लीज सी द टाइम, 7:30 होने वाले हैं। बीच में हम कहाँ गायब हो गए? अलग प्लेनेट में चले गए थे गाइज 2-3 घंटे के लिए, क्योंकि पहले हमारा प्लान था कि कुछ हमें एक चीज और ऐड करनी है, तो वो लेने जाना था हमने, बट फिर से जैसे कि बारिश का आपको बताया था, उसने सारा प्रॉब्लम कर दिया पानी, इसीलिए हम अलमीरा पानी लेके आ गए थे। कल हमें पता था आज बारिश नहीं रुकने वाला, अभी जो ऊपर छोटा मोटा आगे पीछे करना था सामान वो तो ऊपर चलते हैं, रूम में थोड़ी सी करते हैं, फिर से सफाई आपको भी साथ में लगवाते हैं। सफाई अच्छी सामान निकाल के देख रही थी, ये तो साफ हो ही गया है, झाड़ू पोछा लगवा दिया था इसमें, तो ये नीचे ऐसे कालीन से बिछा दी थी, पर ये अभी ठीक करना है सारा। तो मैं रस्सी लगी हुई थी यहीं पे कुछ करने, छेड़ खानी। गाइस कमेंट करो किसको ये करने में बड़ा मजा आता है। मेरे को तो बड़ा आता है। अब सबसे क्वेश्चन है, रूम को अच्छे से देख लो, ये वाला क्वेश्चन ही दिखाऊंगी। एक और चेंज लाने वाले हैं हम, सोच रहे हैं, अब देखते हैं उसमें घर वाले मानते हैं, एग्जीक्यूट हो पाता है कि नहीं। आपको क्या लगता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या चीज करने का सोच रहे हैं, क्या चीज चेंज करें, आप बताओ कमेंट सेक्शन में। कौन कौन गेस कर पाता है फिर हम बताएंगे बाद में। गाइस इस रूम में इतना मच्छर आ जाता है ना, दरवाजा खुलता रहता है ना फ्रीक्वेंटली, तो पापा को हमने लगा दिया काम में, क्योंकि हमें यहाँ पे मतलब कील वगैरह लगवाने थे दीवार पे, तो पीवीसी वाली वॉल है तो हमें डर लगता है, खुद करते तो हमने पापा को बुलाया, अब पापा लगाएंगे उसके बाद ही हम सामान लगाएंगे। पहले हमने सोचा कि वो कराएं, ड्रिल कराएं, जैसे ड्रिल नहीं कराते कील को, फिर पापा कहते हैं पीवीसी ज़्यादा ही खराब हो जाएगी। एडजस्ट करा लॉक एंड चल रहे हैं नीचे। इसका भी कुछ करना है यार, रूम का थोड़ा थोड़ा देख रहे थे क्या क्या करना है, इसका भी कुछ करना पड़ेगा गाइस, ये अच्छा नहीं लग रहा। मेरी मम्मा गुस्सा कर रही है बहुत, रोटी का टाइम आओ खाओ। देखा कैसे थाली जोर जोर से मत पटक रही है। गाइस मम्मी का गुस्सा ठंडा करना होना, ब्लॉग ऑन कर दो। आज कद्दू, बड़े दिनों के बाद कद्दू, मुझे वैसे पसंद है, अंदर चला गया कद्दू, अभी हम राइस लेके जा रहे हैं, टाइम हो गया है, आज तो टाइम ज्यादा हो गया। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, कितना तो सारे वेलकम टू टुडेज व्लॉग, स्वागत है थोड़ा सब दा। आई होप तो सारे बढ़िया हो गए, कैंट हो गए। तो अभी मैं बहुत जल्दी जल्दी में हूँ, और यार कल ऐसा था कि डिनर वगैरह किया, फिर उसके बाद मेरे को काम आ गया था लैपटॉप पे, 1 बजे तक मैंने रात को काम किया और गुड नाइट करना भूल गई। चलो कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो अभी बस रेडी हो रहे हैं सारे, क्योंकि 11 से 1 का टाइम है, तो पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, पूरी ऐसे बाल छाल बिखरे हुए हैं, फिर आपको बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं। इतने भागते हो गए हैं रेडी, बड़ा ज़्यादा भाग रहे हैं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी 11 बज चुके हैं, 11 बजे पहुँचना था, तो अभी हम निकलेंगे वहाँ, गोल गुजराल पहुँचते भी टाइम लगता है। बेसिकली हम जा रहे हैं चाचू के घर, चाची के घर, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, एक तो जो उनका बड़ा बेटा है ना, वो जैसे कि इंडियन नेवी में है, तो वो काफ़ी टाइम टाइम के बाद आता है घर, तो उससे भी मिलना है, चाचू के बेटे से मिलना है, मतलब कि 1.5-2 साल हो गए उसे मिले नहीं है, तो उसे भी मिलेंगे। दूसरा नंबर उनके घर पे सुकुमनी सब्जी का पार्ट है, तो चलेंगे सबसे मिलेंगे। तो बेसिकली गाइज वो एक ही लेट होने का ये भी रीज़न था कि निकल ही रहे थे, रेडी हो ही रहे थे, तो मम्मा के एक फ्रेंड आ गए, तो ज़्यादा होच पोच पड़ गया। निकलो चलो, फिर से पिंक हो गया गाइज। पहुंचे एशिया के पास, यहाँ से अब लेना है हमें टर्न, तो अभी वो पुल लाएगा, उसके बाद थोड़ा ही टाइम लगेगा भागे। मौसम कैसा बना हुआ है, बिल्कुल धूप नहीं है, ऐसे छाया छाया वाला, अंदर उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है, घर पे इतनी ज्यादा मतलब चिपचिप वाली गर्मी आ गई हुई है, गंदी सी, आप बोलते 2 महीने यही गर्मी रहेगी। मैं क्या बाहर, चाहे मौसम ठीक है, लगनी ना रे उन्नी धूप नहीं है ना स्ट्रॉन्ग, लेकिन अंदर तो उन्नी ज्यादा खतरनाक है ह्यूमिडिटी। पापा कहते अंदर एसी लगे, एसी नहीं फिर रहा, मैंने वही बोला ना, मैंने एसी नहीं लगाया, वो तो अंदर वैसे ही है। तभी पुल का पानी चढ़ गया था, बड़े ऊपर तक आ गया था, है ना, अंदर बढ़ गया ना, गुंजर नगर बढ़ गया अंदर, हां पारा तक से। गाइस पानी तो है चढ़ा हुआ, लेकिन कल इससे ज्यादा था। बनेगी यार, कैसे बनेगी, एक बारिश होती नहीं है पानी इतना चढ़ जाता है, 2-3 बारिश होगी तो बेचारी किश्तियां डूब जानगी। हर
अर्शी करेगी फिर बोटिंग करेगी ही? ऐसी हिम्मत चाहिए गाइस, ऐसी हिम्मत होनी चाहिए। भगवती नगर, ये शायद अमरनाथ यात्री हैं सारे, ये बसेस में हैं। यहाँ चेकिंग वगैरह चल रही है, यहाँ से फिर निकालेंगे, फिर बस में जाएंगे। ये सब फायरिंग वगैरह की हुई है आर्मी पुलिस वाले। तो गाइस वो जो कूड़ा नहीं इकट्ठे करते घर से, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, यहाँ आके कूड़ा फेंकते हैं। केड़ी जगह आप आए? भगवती नगर ही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अच्छा, जहाज वाला। ओह भैया, ब्रेक नाम की कोई चीज है। पहुंच गए हैं, ये है गोल गुजराल। सो गाइस पार्ट हो गया खत्म। और ये देखो इसको ना, ये कारपेट मुलायम बड़ी लग रही है। और ये मेरा चाचू का बड़ा बेटा है जो मैं बता रही थी, इसको मैं 1.5-2 साल बाद मिल रही हूँ। कभी सारे बैठे हुए हैं, बड़े देर के बाद इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये रेयर ही आते हैं कभी कभी। अर्शी पार्ट वगैरह हो गया खत्म, अब लंच वगैरह होगा। ये छोटे वाला, ये बड़े वाला। इधर बात चल रही है, जो पानी शानी चढ़ गया हुआ है ना, ये हरनाज की कर रही है। बारिश है खतरनाक, इसको प्रसाद जितना मर्जी खिला दो। फिर आएगी मुड़के। अभी हम बना रहे हैं हरनाज की, किसी कर दो, किसी कर दे, इन्हें ठहरने गाइस। आज अभी हम करेंगे लंच, शीट बिछ चुकी है, लंच रेडी है। प्रसाद देखिए, खान दी तो नजर ब्रेसलेट को देख के ना वो करती है, इसके साथ क्या लगा हुआ है। आजा आजा, सबको बिठा रहे हैं। आई नहीं और ये आई जसून जी चावल लेके। अरे गाइस लंगर छको मगर पड़ी है, उठाओ। क्यों उठाओ? अब इस उठाने का क्या कारण है वो देखो। क्या कर रही है डॉल, इसको देगी दी है, कहती इधर नहीं खेलना, इसको लगाओ। अब ताऊ जी के पास आ गई है, ये देखो सोने तेरी, ये देखो स्टाइल मार के बैठी है। हरनाज अभी नहीं जाना फौरन बेटा, रुक जा हरनाज। कुड़ी है, बस खलन जाएगी, दब जाएंगी थल्ले। अर्शी ना सटिंग्स यार, अर्शी लाएगी दूए रूम पे। अना सोई सोई कराओ, वेरी गुड, सो जा सो जा। हप कर, नहीं नहीं सिला, हप कर, अच्छी बात। अना हप कर, हप कर, किसी करो मुझी को, किसी करो। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। हो गई मेरे टैपस ना खुले ही खुले हैं, मेरे बच्चे भी तो सेंस हो रहा है। सारे गंदे हैं हरनाज, हरनाज गाइस देखो कश्मीर गाइस कितनी सुंदर लग रही है यार, तुम इस तरह करके फोटोज खींच करो। हे गॉड, पापा की सुंदरी, हेलो। सो गाइस अभी सारे रेस्ट मोड पे हैं, रेस्ट मोड चल रहा है। और ये देखो, ये आत्मा सो ही नहीं रही, इधर आ इधर आ, ये अकेली जागी हुई और सारे सोए हुए। रेस्ट ट्राई कर दिए पीछे पीछे, ये भाई और बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं। गाइस इनको देखो, ये पापा लेटे हुए हैं, ये ताऊ जी कहते इसी बंद कर, और अच्छी देखना अच्छी छुट्टेंगी शेर ना करी। गाइस ये पापा के पास नहीं जाती, पापा इसको बुला रहे हैं पर नहीं जा रही। जा पापा ना करो शेर रोएगी। धीरे धीरे करके सब निकल रहे हैं। दुबई की है, पूरा क्या था? चॉकलेट है। अच्छा ये नवजोत लेके आया, दुबई गया था ना। के अंदर बादाम है, ये अखरोट के अंदर बादाम है। अखरोट नहीं है, ये भी एप्रिकॉट, ये सुखाया था मेरे ख्याल में, खुबानी सुखाई दी है। ये तो चा हो गया, फ्रेश उठी ने है ना।
पूरी जिम्बाबे दी लग रही है, पूरे बाल ही है कितने, तू मलिंगा दी तरह। ये ले चाचू लाया दुबई से, कहंदी मैं दुबई नहीं खांदी, मैं जम्मू दी कुड़ी हां, मैं जम्मू दा खांगी। बाय बाय तो कर, क्या सदमे में है। बाय उसको लग रहा पापा चले गए मेरे। हरनास बाय। हरनास हेलो, तो देख रही है। जय श्री काल। बाय गए यहाँ से, अब चलो। से टर्न ही नहीं है पूरा, वो फ्लाईओवर नीचे से क्रॉस करके आना पड़ रहा है। अब यहाँ पाई पवन आइसक्रीम है ना यहाँ पे, वहाँ से हुए अंदर। हम उस वाले पुल से थे, आए हम यहाँ इस पुल से, क्योंकि अर्शी कहती मुझे पानी देखना है और इसमें कितनी मछलियाँ वो देखनी है। यार पापा देखो क्या कर रहे हैं, अब उस रोड से इधर ले आए, कहते यहीं से पेट्रोल डलवाना है। हमने जब यहाँ से डलवाया था, याद है जब पत्नी टॉप का हमने सफर स्टार्ट किया था बटोत का, टाइम लगता है ना इस पेट्रोल पंप में। ये देखो बाइक वाले अलग खड़े हैं, इनका ये एक चल नहीं रहा है। तेल अच्छा होता है। हाँ, लेकिन तेल अच्छा होता है। लावट नहीं होती। क्रांति जटडी। अपना बाबा बीमार हो गया बेचारा। ये उठे थोड़ा पटडी। केड़ा थोड़ा पटडी। हम आए एक शॉप पे गाइस, गैस करो क्या लेने आए हैं। सो गाइस यहाँ से हो गया काम, मैंने ले ली दो चीज़ें, अब ये टेलर भेजेंगे घर पे, तो आप समझ गए होंगे किस चीज़ काम कर रहे हैं। तो गाड़ी बाहर जाम लगे, पापा भी खड़े हैं, जल्दी से बैठते हैं। क्या क्या करूँ क्या करूँ, कहती पीछे जाओ पीछे। गाइस इसके एक्शन देखना अब आप क्या करेंगे। कंडक्टर बन सकती है ना लड़की, ये पूरी कंडक्टर है। तो फाइनली एट होम, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने देर से बाहर थे, सुबह से ही गए हुए थे वैसे, अभी शाम 7 बज गया, टाइम देखो 7:15 हो गया। हेलो गाइस, तो यार हम आ गए थे वापस, चेंज वगैरह किया, एंड यार बेसिकली ना हम देख रहे थे कि ऊपर वाले जो कर्टन थे ना, पापा ने कहा कुड़ियों बस करो उनके करना तुम ऊपर वाले कमरे का, पर्पल कलर के पर्दे वैसे लगाए थे फॉर द टाइमिंग। तो हमने सोचा कि यार इतना हमने वो कर दिया इसको थोड़ा सा रेनोवेट, अब कर्टन की वजह से सारी लुक खराब कर रहा है। फिर हम गए थे कर्टन देखने, अब मैं और अर्शी दो कर्टन्स में मतलब कंफ्यूज है, हम दोनों के कपड़े लेके आए हैं बट कौन सा मैच कर रहा है एग्जैक्टली हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा। 10-15 मिनट लगा के ऊपर अच्छे से देख के आए, फिर एक पसंद किया कि ये ठीक है, फिर दूसरा जब फिर से वहाँ पे मतलब ऐसे लगा के देखा बोले यार ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, देखते हैं कौन सा वाला चूज करेंगे। व्लॉग चल रहा है गाइस, इनको पहचानते हो दो लड़कियों को, एक ये है, एक ये है मैम, एक ये है सर। यार ये दो लाए थे गाइस कपड़े, एक तो ये लाया था क्योंकि ऊपर दो ब्लेंड है पीवीसी का, तो इसलिए हमने दो कलर्स ये ऐसे है यहाँ पे से आए मेरी। इसमें भी ना थोड़ा ब्राउन दिखता है रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन में दिख रहा है, ये पूरा व्हाइट है। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि ये ज्यादा अच्छा लगेगा उधर या ये ज्यादा अच्छा लगेगा। यार फोटोज तो ये भी अच्छे लग रहे हैं, वही मैं बोल रही हूँ ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा गाइस। नाल पता की अगर रील बनानी है तो ये भी अच्छा लगेगा, सिंपल वाइट बैकग्राउंड वो तो है, पर कमरे भी जचना चाहता गल ये है। दीदी गाइस हेल्प करो ना, अभी पर प्रेशर डाला है। अब भी तुम्हारे भाई बहनों हम नहीं बात करेंगे आपसे, बताओ कौन सा लगाऊं। आपको लेके आए थे ऊपर, मतलब आप बताओ यार क्या करें इसको। जब दिन में बहुत ज्यादा खाना खा लिया हो तो इसका सहारा लेना पड़ता है, दोनों बॉटल्स खत्म है, अर्शी ने पी एक मैंने। अब टाइम हो गया है देख लो, अब 8:20 हो गए हैं, तो यार खाना खाना पड़ेगा 10-15 मिनट बाद, अभी भूख तो नहीं लगी। इन दोनों ने खत्म किया गाइस, एक बंदरू ने और एक इसने हाथी ने, मैंने कुछ भी नहीं किया गाइस। तो यार असा ने कर लिया है का डिनर शिनर हो गया गाइस, ते हुन थक गए यार, ध्याड़ी भी नहीं सुते, गप्पा शप्पा मार दे रहे हैं, ते हुन आ रही है बड़ी जबरदस्त नींद, तो बस मैं सोने लगी हूँ यार। अर्शी पता नहीं कहाँ गए, मेरे उसको लगा गुड नाइट करे, कर दी तू कर दे, पता नहीं टीवी देख रही है मम्मी पापा के साथ दूसरे रूम में। तो गाइस आज का व्लॉग ऐसे ही था, नवजोत से मिले बड़े देर के बाद, यार बड़ा मजा आया, तो अब शायद वो घर भी आएंगे तो तब का भी व्लॉग बनाएंगे। होप सो आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया हो तो आपको पता क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।